प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैग्नेटिज्म ऑफ नेफ्रॉन अथवा मैग्नेटिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या नेफ्रॉन की क्रियाविधि, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि ये निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, हालांकि इसके बारे में आपको पहले भी बताया था पहले के वीडियो में। नंबर एक, यानी नंबर एक यूरिया का निर्माण, नंबर एक यूरिया का निर्माण, नंबर दो परानिसंधान, नंबर तीन वर्णात्मक, पुनरावशोषण, और नंबर चार है नलिकीय श्रावण। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो है ये चार चरणों में संपन्न होती है। तो अब अगर पूछा जा रहा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाइए, तो चार चरणों को आपको समझाना है। अगर पूछा जा रहा नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझाइए, यानी एक नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझाइए, तो ये चित्र आप बना देंगे और नेफ्रॉन की क्रियाविधि में आप केवल तीन पॉइंट ही लिखेंगे, यानी यूरिया का निर्माण ये नेफ्रॉन की क्रियाविधि में नहीं आता है, लेकिन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि अगर पूछा जा रहा है तो चार पॉइंट लिखेंगे, और अगर केवल नेफ्रॉन की क्रियाविधि पूछा जा रहा तो ये तीन पॉइंट, यानी दूसरा तीसरा चौथा, ये तीन पॉइंट आपको लिखना है। तो हम आपको मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बता रहे हैं, बाकी टोटल वही आपको लिखना है, कोई अंतर इसमें नहीं करना है। तो हम आपको मूत्र निर्माण की क्रियाविधि हम आपको बता रहे हैं। तो इसके अगले वीडियो में मैंने आपको यूरिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाई आर्निथिन साइकिल, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अब परानिसंधान भी हमने आप लोगों को बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में परानिसंधान, लेकिन परानिसंधान के बारे में एक बार वापस हम आपको बता देना चाहते हैं। परानिसंधान किसे कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। परानिसंधान तो नेफ्रॉन की संरचना हमने आपको पहले भी बता दिया था, जिसमें आपको बताया गया है कि नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल भाग, प्रारंभिक भाग जो है या एक बाउल जैसी रचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में रुधिर केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस ही रुधिर को छानने का कार्य करता है। तो परानिसंधान किसे कहेंगे? ग्लोमेरुलस द्वारा रुधिर को छानने की क्रिया परानिसंधान कहलाता है। ग्लोमेरुलस द्वारा रुधिर के छानने की क्रिया परानिसंधान कहलाता है। तो परानिसंधान होता क्या है, हमने आपको बताया था कि अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका दो होती हैं। तो अविवाही धमनिकाएं जो है यूरिया युक्त रुधिर को ग्लोमेरुलस में लाती हैं और उस रुधिर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो, और इसके साथ साथ कई लाभदायक पदार्थ भी, वो भी छन करके बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं। यही क्रिया परानिसंधान कहलाता है। अब बाकी जो छना हुआ रुधिर है वो अपवाही धमनिकाओं द्वारा वापस बाहर लाया जाता है। तो लाया क्या जाता है कि अपवाही धमनिकाएं जो हैं ये देखिए
समीपस्थ कुंडली नली का और हेनरे का जो दूरस्थ कुंडली नली का संग्रह नली का, इन सब में बिल्कुल एकदम चिपकी रहती है, इनसे बिल्कुल एकदम चिपकी रहती है, जिससे परानिसंध में जो लाभदायक पदार्थ है वो पूरा अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंचता रहता है। तो परानिसंधन किसे कहेंगे, ग्लोमेरुला द्वारा रुधिर के छनने की क्रिया परानिसंधन कहलाता है। और कैसे छनता है वो आप बताएंगे कि अपवाही धमनिकाओं का व्यास अधिक, अपवाही धमनिकाओं का व्यास कम होता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अपवाही धमनिकाएं यूरिया युक्त रुधिर को ब्लड में लाती है, तो अपवाही धमनिकाओं का व्यास अधिक होने से रुधिर जितनी तेजी से ग्लोमेरुलस में आता है उतनी तेजी से वापस अपवाही धमनिकाओं से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि इसका व्यास कम होता है, जिसकी वजह से रुधिर द्वारा ग्लोमेरुलस की दीवार पर एक दाब डाला जाता है, उस दाब को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, यानी ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब, और इसका मान हुआ 70 mm एसीडी। यानी रुधिर द्वारा बोवन, रुधिर द्वारा ग्लोमेरुलस की दीवार पर यहां पर देखे बाहर की तरफ एक दाब डाला जाता है, इस दाब को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, दाब का मान 70 mm में भी होता है। अब इसी दाब के वजह से ग्लोमेरुलस में जो रुधिर है, रुधिर में जो पदार्थ है वो छन करके बोमन कैप्सूल की गुहा में आते हैं। तो बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस में लगभग 0.8 micron व्यास के छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों से ये फिल्ट्रेट होकर के आते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सपोज करें कि आप अपने मुंह में पानी आपने भर लिया है और आप अपने गालों में मान लो छेद कर लिया आपने छोटे छोटे, सपोज करिए, अब पानी भरने के बाद आप प्रेशर लगाइए तो आप देखेंगे कि इनमें से पानी बाहर निकलेगा। तो उसी प्रकार से जब प्रेशर पड़ता है 70 mm का, तो इस छिद्रों से होकर के रुधिर उपस्थित पदार्थ बाहर निकलते हैं। और देखिए अब यदि परानिसंधन की क्रिया में केवल यानी रुधिर में उपस्थित केवल वे ही पदार्थ छन कर बोमन कैप्सूल की गुहा में आते हैं जिनका आधार 67,000 तक होता है, 67 इससे अधिक अनुभार वाले जो पदार्थ हैं वो किन छिद्रों से, यानी 0.1 micron व्यास वाले छिद्र से छन करके बोमन कैप्सूल की गुहा में नहीं आते, इससे जो छोटे होते हैं वही केवल आ पाते हैं। तो अब ये जो है परानिसंधन यानी ग्लोमेरुलस द्वारा रुधिर के छानने की क्रिया परानिसंधन कहलाता है, और इस प्रकार से छने हुए पदार्थों को परानिसंध कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहा जाता है। तो ये हो गया भैया परानिसंधन। अगले एक हम आपको बता रहे हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण, इसके बाद देखिए वर्णात्मक पुनरावशोषण। वर्णात्मक पुनरावशोषण किसे कहते हैं, देखिए परानिसंध किसे कहेंगे, ग्लोमेरुलस द्वारा रुधिर से छना हुआ भाग जो बोमन कैप्सूल की गुहा में आ जाता है उसी को कहते हैं परानिसंध। तो परानिसंध में भैया यूरिया, यूरिकम, क्रिएटिनिन आदि हानिकारक पदार्थ के साथ साथ कई लाभदायक पदार्थ भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन सी, ग्लूकोज अमीनो अम्ल विटामिन सी,
इसके अलावा फैटी एसिड प्रोटीन सोडियम आयन पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन बाइकार्बोनेट आयन ये सारे पदार्थ भी बोमेन कैप्सूल की गुहा में श्रम करके आ जाते हैं। यानी कि परागसंघ में यूरिया यूरिक क्रिएटिनिन आदि पदार्थ हानिकारक पदार्थों के अलावा जल ग्लूकोज अमीनो अम्ल विटामिन सी वसी अम्ल प्रोटीन आदि लाभदायक पदार्थ भी छन करके परागसंद में आ जाते हैं। अब देखिए लगभग 95 ब्लड में जितना जल होता है उसका लगभग 95% जल छन करके परागसंद में आ जाता है। तो ये सारे लाभदायक पदार्थ जो है ये नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा यानी समीपस्थ पुण्यनलिका हृदय का लूप दूरस्थ पुण्यनलिका संग्रह नलिका आज के द्वारा पुनः अवशोषित करके ब्लड में मिला दिए जाते हैं। यह क्रिया वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। वापस देखिए परागसंद में से लाभदायक पदार्थों का अवशोषित होकर परागसंद में उपस्थित लाभदायक पदार्थों का नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषित होकर पुनः ब्लड में मिला देने की क्रिया वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। ठीक है, परागसंद में उपस्थित लाभदायक पदार्थों का नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषित करके पुनः ब्लड में पहुंचा देने की क्रिया वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। तो वर्णात्मक पुनरावशोषण में आप परिभाषा लिखेंगे, उसके आगे आप लिखेंगे कि परागसंद में यूरिया यूरिकम क्रिएटिनिन आदि पदार्थों आदि हानिकारक पदार्थों के अलावा कई लाभदायक पदार्थ भी होते हैं जैसे जल ग्लूकोज अमीनो अम्ल विटामिन सी वसी अम्ल प्रोटीन आदि और सोडियम आयन पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन बाइकार्बोनेट आयन ये सारे परागसंद में आ जाते हैं। तो ये सारे लाभदायक पदार्थ ये नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषित करके पुनः ब्लड में मिला लिए जाते हैं। यह क्रिया वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। वर्णात्मक पुनरावशोषण फिर आगे लिखेंगे दूसरी लाइन से वर्णात्मक पुनरावशोषण नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब हेडिंग नंबर ए ए नंबर हेडिंग लिखेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। समीपस्थ कुंडलित नलिका को पीसीटी कहा जाता है। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूरस्थ कुंडलित नलिका को डीसीटी कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो अब यहां लिखेंगे हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पीसीटी यानी पीसीटी में पुनरावशोषण। समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण आप देख रहे हैं ए नंबर हेडिंग है। नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित नलिका में सबसे ज्यादा पुनरावशोषण की क्रिया होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित नलिका में सबसे अधिक मात्रा में पुनरावशोषण की क्रिया होती है यानी सबसे अधिक पदार्थों का पुनः अवशोषण जो है वो नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। और ये जो है लगभग 65-80% यानी परागसंद में जितने पदार्थ हैं उनमें जो अवशोषित होकर के जो ब्लड में जाते हैं उनका 65-80% भाग पदार्थों का पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। अब देखिए क्या क्या अब जैसे ग्लूकोज
अमीनो अम्ल, इन सब पदार्थों का पुनरावशोषण जो है ये सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बसी अम्ल, इन सब का पुनरावशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। इनके पुनरावशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय पुनरावशोषण माने क्या होता है, यानी सक्रिय अवशोषण माने यानी वह अवशोषण जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, और जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता वो निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बसी अम्ल आदि पदार्थों के पुनरावशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी सक्रिय परिवहन द्वारा इनका पुनरावशोषण होता है। इसके अलावा देखिए जो धन आयन है, जो धन आयन है जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन आदि धन, यानी धन आयन जो है इनका भी पुनरावशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, अर्थात इनके पुनरावशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि जो ऋण आयन होते हैं, क्लोराइड आयन, फास्फेट आयन और सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन आदि ऋण आयनों के पुनरावशोषण में ऊर्जा का आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ऋण आयनों का पुनरावशोषण निष्क्रिय अवशोषण होता है। ठीक है, अब आप सपोज करो, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, निम्नलिखित में से किसका सक्रिय अवशोषण होता है, तो आप लिख देंगे कैल्शियम आयन का, यानी धन आयनों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण होता है, ऋण आयनों का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन का मतलब सन्निपस्थ कुंडलित नलिका की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से प्रोटीन चिपक जाता है और वहीं से उस कोशिकाओं द्वारा इस प्रोटीन का पुनरावशोषण हो जाता है। अब देखें जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन में से लगभग 40% प्रोटीन का पुनरावशोषण हो जाता है। परागण में जो प्रोटीन होता है उसका 40% प्रोटीन का पुनरावशोषण हो जाता है। तो ये हो गया सन्निपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, सामान्य रूप में लिखेंगे सबसे पीसीटी में सबसे अधिक मात्रा में पुनरावशोषण की क्रिया होती है, जितना भी परानिसंध है। अच्छा देखिए, परानिसंध जितना भी होता है उसका 99% परानिसंध का पुनरावशोषण हो जाता है। लगभग 1% पुनरावशोषण जो परानिसंध है केवल वही यूरिन फॉर्मेशन में भाग लेता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सपोज करो कि 1 लीटर परानिसंध आ गया इसमें, यानी रुधिर में से छन करके 1 लीटर परानिसंध आ गया है वुमेन कैप्सूल में, तो इसमें से 990 मिलीलीटर पदार्थ जो है ये पुनः अवशोषित होकर के ब्लड में चले जाएंगे। केवल 10 मिलीलीटर पदार्थ ही यूरिन में परिवर्तित होगा, मूत्र में परिवर्तित होगा। तो पीसीटी में सबसे अधिक मात्रा में पुनरावशोषण क्रिया होती है। कुल पुनरावशोषण का लगभग 65-80% भाग पुनरावशोषण सन्निपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। सन्निपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन आदि पदार्थों का पुनरावशोषण होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बसी अम्ल आदि पदार्थों का पुनरावशोषण सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है, अर्थात इनके अवशोषण में ऊर्जा का आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा के उपयोग से इनका पुनरावशोषण होता है। जबकि जो ऋण आयन होते हैं उनका निष्क्रिय पुनरावशोषण होता है, अर्थात इनके अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अगले हेडिंग लिखेंगे, अच्छा जल का पुनरावशोषण,
यह निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है। अगले हेडिंग डालेंगे हेडवे के लूप में पुनरावशोषण, बी नंबर हेडिंग, हेडवे के लूप में पुनरावशोषण, लिखेंगे हेनरे का लूप यू आकार की, अंग्रेजी के यू आकार की नली होती है जिसकी एक भुजा आरोही भुजा होती है और दूसरी एक अवरोही होती है, दूसरी आरोही भुजा होती है। हेनरे के लूप की अवरोही भुजा यह यानी अवरोही भुजा ये जल के लिए पारगम होती है। पारगम माने इससे जल जो है ये बाहर मतलब यहां से जल निकल करके अवाही भवन कौ में चला जाता है। और जबकि सोडियम और क्लोराइड के लिए अपारगम होती है, ध्यान रहे हेनरे के लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य जबकि सोडियम आयन क्लोराइड आयन के लिए अपारगम्य होती है। अर्थात हेनरे के लूप की अवरोही भुजा में जल का पुनरावशोषण होता है जबकि हेनरे के लूप की आरोही भुजा ये जल के लिए अपारगम्य और सोडियम आयन क्लोराइड आयन के लिए पारगम्य होती है। अर्थात हेनरे के लूप की आरोही भुजा में सोडियम आयन क्लोराइड आयन का पुनरावशोषण होता है। जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनकी जो नेफ्रॉन होता है उनके नेफ्रॉन का हेनरे का लूप अपेक्षाकृत बड़ा होता है जिससे उनके परानिश्चित में से ज्यादा जल अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनको जल संबंधी समस्याओं से सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगले हेडिंग के लिए दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण, तो दूरस्थ कुंडलित सी नंबर हेडिंग है दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण, सी नंबर यानी कि डीसीटी में पुनरावशोषण। तो लिखेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल सोडियम आयन पोटेशियम आयन बाइकार्बोनेट आयन आदि पदार्थों का पुनरावशोषण होता है। डीसीटी यह आकर के संग्रह नलिका में ओपन होता है तो डीसीटी से जो भी बचा हुआ परानिस्सन्द है यानी कि परल तत्व से अंतिम यहाँ जल वगैरह अवशोषित होकर के ब्लड में चले जाते हैं, उसके बाद बाकी परानिस्सन्द जो है वो आ जाता है संग्रह नलिका में। तो अगले ही लिखेंगे संग्रह नलिका में पुनरावशोषण, डी नंबर संग्रह नलिका में पुनरावशोषण। तो लिखेंगे संग्रह नलिका में अंतिम रूप से पुनरावशोषण की क्रिया होती है। संग्रह यानी जितनी मात्रा में परानिस्सन्द आता है अंतिम रूप से अधिक जल अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं और जल का पुनरावशोषण सबसे अधिक समीपस्थ कुंडलित दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका में होता, ध्यान रहे जल का सबसे अधिक पुनरावशोषण संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। और यह अवशोषण की क्रिया जो है यह एक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, उस हार्मोन को कहते हैं वैसोप्रेसिन या एडीएस
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो संग्रह नलिका और ग्रोथ कुंडलित नलिका में जल के अवशोषण की क्रिया जो है यह एडीएच हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। एडीएच हार्मोन क्या कहता है, यह संग्रह नलिका ग्रोथ कुंडलित नलिका में की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे इसमें जो परानिसंध होता है परानिसंध से ज्यादा जल अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। तो ये और इस प्रकार जितनी मात्रा में परानिसंध होता है संग्रह नलिका में आते आते लगभग 99% परानिसंध का पुनरावशोषण नेत्रान के विभिन्न भागों द्वारा हो जाता है और अंतिम रूप से। अच्छा एक ही और देखिए, कुछ मात्रा में यूरिया का भी पुनरावशोषण होता है नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में, कुछ मात्रा में यूरिया का भी पुनरावशोषण होता है। तो ये जो है इस प्रकार से अंतिम रूप में केवल 1% परानिसंध जो है वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मूत्र का निर्माण हो जाता है संग्रह नलिका में। तो आज के वीडियो में हमने आपको मूत्र निर्माण क्रियाविधि नेफ्रॉन क्रियाविधि के बारे में बताया। अब इसके बारे में मूत्र की जो तंत्रता है उसके बारे में अगले वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करिए। थैंक यू।